तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका दीपालपुरी एक बहुत बड़ी मज़ार पर। तो यहाँ का एंट्रेंस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मज़ार का एंट्रेंस है, यहाँ गेट है ये सारा। और मैं चलता हूँ अब अंदर की तरफ, अंदर जाके आपको इनसाइड का व्यू दिखाता हूँ। माशाल्लाह से बाबे शम्सुल कौनैन, माशाल्लाह यही दरबार आलिया, दरबार आलिया साई अब्दुल रज़ाक हाकी रहमतुल्लाह अलैह, आपका मज़ार पाक। और बाहर का व्यू माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है जी, बहुत प्यारा, आप लोग देख सकते हैं। मीनार तो हद नज़र जितना गर्दन तोड़ के देखना पड़ रहा है, माशाल्लाह से ये देखें जी। ये बाहर का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके बाद जी ये यहाँ का वज़ू खाना है, माशाल्लाह गुसल करना, मसवाक करना। और ये सामने मज़ार, और बिल्कुल मज़ार के नीचे चल के मैं यहाँ से मीनार की वीडियो आप लोगों को दिखा लेता हूँ कि ये रहा मीनार। मुझे तो गर्दन तोड़ के देखना पड़ रहा है। मैं चलता हूँ मज़ार के अंदर, जैसा कि बाकी पब्लिक भी जा रही है। गौसल आज़म सरकार इमाम अलिया शम्सुल आरिफीन सानी शम्सुल कौनैन हज़रत साईं अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह, ये आप लोग देख सकते हैं जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं आपके मज़ार पर दाखिल हो चुका। तो फाइनली मैं मज़ार में दाखिल हो चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये आपका रोज़ा मुबारक है, महबूब ख्वाजा अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह, ये आपकी मज़ार पाक है। और ये हमारा काफिला जो हमारे साथ आया हुआ है, ये सब लोग हमारे काम आप लोग देख सकते हैं। ऊपर गुंबद वाला एरिया, ये मेरे प्यारे भाई हाफिज़ कारी बिलाल अहमद सईदी साहब बैठे हैं। और वो सामने नसीर भाई, शकील भाई, तमाम दोस्त साहब अभी हम बैठे हैं। मज़ार की आउटसाइड में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं मज़ार की आउटसाइड मैंने कहा दिखा दूँ, मज़ार की आउटसाइड में ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये मेन गेट है, दरवाज़ा है मेन दरवाज़ा जो कि मज़ार के अंदर की तरफ जाने का। और माशाल्लाह बाकी ये चारों तरफ का व्यू मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जी। ये टोटल पिलर्स वगैरह पे टोटल जो है ना मार्बल लगी हुई है, माशाल्लाह ये बाकी सारा सैन। और सामने जो है ना वो रेस्ट हाउस बने हुए, रूम बने हुए जो कि रिहाइश के लिए। सामने वज़ू खाना, और मेरे साथ मेरे बिलाल भाई, और सामने जो है ना वो रही सामने मस्जिद, ये है सामने मस्जिद। और मैं चलता हूँ आपको अंदर से मस्जिद का व्यू दिखाता हूँ जी। मैं मस्जिद की तरफ आ गया, और मैं मस्जिद की इनसाइड का व्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह से बहुत प्यारी मस्जिद बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह टॉप तक जो है ना, नीचे से लेकर टॉप तक जो है ना, यहाँ भी मार्बल लगी हुई है। और चलते हैं हम मस्जिद की इनसाइड पे, बिल्कुल सामने सामने मिंबर देखें जी, माशाल्लाह ये देखें जी, आप लोग मिंबर देख सकते हैं।
और मेरी लेफ़्ट साइड पे ये टॉप पे भी बनी हुई है सेकंड फ्लोर जो है। और माशाल्लाह ये जो पिलर है, पिलर पे टोटल डिज़ाइनिंग बनी हुई है, ऊपर जो है टॉप पे टोटल अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ है। और ये रही राइट साइड, राइट साइड जो है ये भी अल्लाह पाक के नाम लिखे हुए हैं सारे, ये लोग आप लोग देख सकते हैं ये सब। और ये साइड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, माशाल्लाह बिलाल भी बहुत खूबसूरत बनी हुई है ना, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बनी हुई है। ये झूमर देखें, कम से कम कोई छत से जो है ना 20 फीट का पाइप लगा हुआ और उस पर लटका हुआ है माशाल्लाह। और ये जो है ना मेंबर जो है मेहराब जो है ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखें जी कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग बनी हुई है उसके ऊपर, आप लोग देख सकते हैं मस्जिद बहुत प्यारी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जहाँ जहाँ जैसे आगे बढ़ रहे हैं माशाल्लाह एक से एक मस्जिद हमें देखने को मिल रही है, जो कि हमने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था कि ऐसी खूबसूरत मस्जिद हमें देखने को मिलेंगी माशाल्लाह से। मेहराब में देखें कि ये कितनी खूबसूरत जो है प्रिंटिंग हुई हुई है। और ये सामने जो है आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम अक्दस, नाम मुबारक सब लिखे हुए। और फिर साथ मेरे बिलाल भाई हैं। और ये फ्रंट एरिया मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फ्रंट पे भी ऐसे ही है नाम मुबारक लिखे हुए हैं सारे। अभी चलते हैं बाहर, मेरे ख्याल में मज़ार में हाँ वो सामने चल के देखते हैं कहाँ पर इनकी डिटेल लिखी हुई होगी ना पीर साईं की। हज़रत साईं अब्दुल रज़ाक साईं के जो सिलसिला है ना वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इनकी 28 वास्तों के सार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाकर मिलता है। 28 वास्तों के बाद 38 वास्तों के बाद। और ये देखें ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार जैसे औलिया इकराम उनके साथ इनका सिलसिला नसब भी है। तो ये आपका जो सिलसिला है नसब है ना ये हमारे बिलाल भी आपको बता रहे हैं, अभी मज़ार है ना इसे लेकर 38 वास्तों के साथ जो है वो शेख बायदी बुस्तामी इमाम जाफर सादिक सैयद इमाम कासिम सलमान फारसी फिर सिद्दीक अकबर और फिर हुजूर के साथ जाके मिलता है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह से आपने सुना होगा हमारे बिलाल भाई जो है ना आपको बता रहे हैं सिलसिला नसब जो है। और ये कंप्लीट नाम लिखे हुए हैं, आरंग के बाद
बरस रहे दीपालपुर की बहुत ही खूबसूरत मस्जिद और खूबसूरत मज़ार और उनसे प्यारा ये मीनार। दरबार आलिया साईं अब्दुर रज़ाक काकी नक्शबंदी कादरी चिश्ती सौरवर्दी